हेलो बच्चों वेलकम टू कॉमर्स एज अगेन आज का टॉपिक है कॉस्ट जिसमें सबसे ज्यादा जो कर्व्स हैं वो यही चैप्टर है वो यही टॉपिक है, है तो जब हम बोलते हैं ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे कर्व्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक बहुत सारे ग्राफ बनाने पड़ेंगे तो जो ग्राफ का चैप्टर ग्राफिकल चैप्टर जो कर्व का चैप्टर है यही है वो यही है वो कमजोर कड़ी यही पे आके सारी जो कर्व्स की जो इच्छाएं है वो पूरी हो जाएगी तुम लोग की कितने सारे कर्व अच्छा सारे से मतलब बहुत वेराइटी ऑफ कर्व है सो so, सात अलग अलग तुम्हें कर्व बनाने उनके मिक्स एंड मैच करके बनाना है प्लस न्यूमेरिकल्स सो न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला तो हम फॉर्मूले पे आएंगे कि फॉर्मूला इसका कैसे एक बार में समझ में आना चाहिए सो आई है ट्रिक टू लर्न द फॉर्मूला उस फॉर्मूले को कैसे लर्न करना है ठीक है तो so, क्या क्या है इस चैप्टर देखते हैं चैप्टर में ही ठीक है, है? दूसरी चीज चैप्टर प्रोडक्शन का ही फर्दर वर्जन है मतलब हम जब बात करते हैं कि हमने प्रोडक्शन चैप्टर एक बार पढ़ लिया तो प्रोडक्शन चैप्टर हमने क्या पढ़ा मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ वेरिएबल वेरिएपोशन और फिर हमने पढ़ा था रीजन फॉर वेरिएबल प्रपोशन हमें इसमें भी यही करना है बस रीजन नहीं पढ़ना लेकिन हमें वही लॉ वेरिएबल प्रोपोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है क्योंकि शॉर्ट रन है और हमें उसी चीज का न्यूमेरिकल uh, करने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोशन जैसे प्रोडक्शन में था मैं उसी चीज को exactly पर एप्लीकेट करके उसके न्यूमेरिकल्स क्योंकि प्रोडक्शन में न्यूमेरिकल्स ही नहीं थे cost में उसी चीज के हैं तो चीजें तुम्हें तुम्हें आएगी बोलने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन चैप्टर आना चाहिए और नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ के आओ तब तुम्हारे लिए वो वर्थ होगा नहीं तो वो बहुत ज्यादा काम का रहेगा नहीं सो द नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन बिफोर स्टार्टिंग विद कॉस्ट कॉन्सेप्ट सो जैसे कि कॉस्ट जैसे कि प्रोडक्शन फंक्शन में होता है सबसे पहले मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन वैसे यहां पे है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन सो कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है जैसे प्रोडक्शन का मीनिंग था वैसे कॉस्ट का अपना एक मीनिंग होता है प्रोडक्शन का मीनिंग क्या था हम कितना आउटपुट बनाते हैं और सब प्रोडक्शन होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट कॉस्ट और सिंपल है कॉस्ट क्या है अगर कोई ये बोले तुमसे कि तुम्हारा जो टोटल कॉस्ट है टोटल प्रोडक्शन है वो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज है प्रोडक्शन हम इसको दूसरी लैंग्वेज में बोल दें कि टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड को बनाने में लग गए पचास हजार रुपए तो ये हो जाएगा इसका कॉस्ट ये हो गया टोटल प्रोडक्शन दिस इज कॉस्ट व्हाट इज कॉस्ट कॉस्ट इज मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन की मनी वैल्यू को ही कॉस्ट बोलते हैं पहली चीज दूसरा कॉस्ट का एक और स्ट्रक्चर होता है कॉस्ट के बारे में बोला जाता है कि कॉस्ट इज अमाउंट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज वैसे लेकिन गुड्स ही आता है क्योंकि हम लोग पूरे प्रोडक्शन चैप्टर में सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते तो जितना अमाउंट एक गुड्स को बनाने में गुड को बनाने में लगता है दैट इज कॉस्ट उसे ही कॉस्ट बोला जाता है सो so एक्जैक्टली exactly जैसे प्रोडक्शन फंक्शन में होता है कॉस्ट भी दो टाइप की होती है सो टाइप ऑफ कॉस्ट फंक्शन हम अगर लें कॉस्ट फंक्शन कितने टाइप के होते हैं तो दो टाइप के होते हैं कॉस्ट फंक्शन एक शॉर्ट रन कॉस्ट और एक लॉन्ग रन कॉस्ट शॉर्ट रन जिसमें कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होंगे प्लस कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होंगे लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल सो लॉन्ग रन में ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट शॉर्ट रन में कुछ कॉस्ट फिक्स होगी कुछ कॉस्ट वेरिएबल लॉन्ग रन में सारी की सारी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी देर इज नो स्कोप ऑफ फिक्स कॉस्ट इन लॉन्ग रन जैसे प्रोडक्शन में होता है वैसे ही कॉस्ट में भी होगा सेम पूरा सेम है हमारे सिलेबस में क्या है हमारे सिलेबस में वी हैव शॉर्ट रन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट मतलब जिस कॉस्ट को आप चेंज कर सकते हो सबको पता है Variable, fixed जिसको हम change नहीं कर सकते हम के के साथ साथ नहीं कर सकते। variable जिसको production के साथ change करना पड़ता है। अब क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन है तो शॉर्ट रन के कुछ कर्व्स कुछ ग्राफ बनते हैं हमें वो ग्राफ पढ़ना है बेसिकली कॉस्ट कर्व में तीन टाइप के कॉस्ट uh, कर्व के ग्राफ बनेंगे टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट सो स्टार्ट विथ टोटल कॉस्ट और बस स्टार्ट करते टाइम ये चीज याद रखना कि हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन की बातें कर रहे हैं मतलब फिक्स्ड प्लस वेरिएबल जिससे दिमाग हमेशा ये चीज एक्सेप्ट करके रखेगा कि जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट में फिक्स और वेरिएबल ही आते हैं दोनों आएंगे अब अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट की तो टोटल कॉस्ट में भी दो कॉस्ट आएगी टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो अगर हमें फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट हमने बना लिया समझ लिया तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी मतलब लेवल ऑफ आउटपुट इसको हमें चेंज करने की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि शॉर्ट रन में हम कर भी नहीं सकते और ये करना भी नहीं पड़ता एक यूनिट ऑफ बिल्डिंग पे अगर हम एक मैं ये एक मार्कर के लिए हमने एक मशीन लगाई सो so, दो मार्कर भी उस मशीन पे बन सकते हैं सौ मार्कर भी उस मशीन पे बन सकते हैं मतलब फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स एक यूनिट बनाने के लिए अगर हमने एक बिल्डिंग किराए पे लिए तो दो के लिए दस के लिए सौ के लिए हजार के लिए सेम बिल्डिंग ही तो लगेगी नई बिल्डिंग थोड़ी खरीद लोगे इसका मतलब फिक्स कॉस्ट कितने भी आउटपुट बना लो वो सेम रहती है सो फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ बनता है वो बनता है ऐसे टोटल फिक्स कॉस्ट क्यों ऐसे बना क्योंकि यहां पे अगर हम कॉस्ट ले ले और यहां पे हम यूनिट्स ऑफ आउटपुट ले लें सो कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट कितना भी आउटपुट तुम चेंज कर लो टीएफसी रिमेन्स पैरल लाइन पैरल टू आउटपुट एक्सिस या फिर बहुत से लोग इसको एक्स एक्सिस लिखते हैं पैरल टू एक्स एक्सिस ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड इज पैरल टू आउटपुट एक्सिस ठीक है आउटपुट एक्सिस के जो पैरल है दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ सिंपल सा ग्राफ टीएफसी का इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ना सेकंड इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट यही पे आके थोड़ा सा अलर्ट होना है थोड़ा सा सोचना है तुम लोगों को कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनता है इसके लिए तुम्हें एक बार टोटल प्रोडक्शन का ग्राफ याद करना पड़ेगा टी टोटल प्रोडक्शन फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल पे बनता है सो टोटल प्रोडक्शन इनिशियली इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है फिर डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है फाइनली फॉल हो जाता है ये सबको पता है बहुत अच्छे से अब टोटल प्रोडक्शन जब इंक्रीजिंग रेट पे है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो हर बार हर लेबर तुम्हें ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है सो इफ एवरी टाइम अ लेबर इज गिविंग यू ज्यादा अमाउंट ऑफ आउटपुट समझना इस बात को एक लेबर जिसको तुम्हें जिसने तुम्हें दो यूनिट दिया लास्ट uh, लेक्चर का टोटल प्रोडक्शन याद रखना एक लेबर जिसने तुम्हें दो यूनिट दिया सो तो अगले लेबर को तुम्हें चार यूनिट देना चाहिए था उसने छह यूनिट दे दिया इसे ही बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न और तीसरे लेबर को भी दो यूनिट देना चाहिए था लेकिन उसने छह यूनिट दे दिया सो तो पहले लेबर ने दो यूनिट दूसरे लेबर ने चार यूनिट तीसरे लेबर ने छह यूनिट ये हर बार तुम्हारा जो लेबर ज्यादा 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 यूनिट देता जा रहा है इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टेज ऑफ और स्ट्रक्चर ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अब समझो जब रिटर्न ज्यादा हो रहे हैं इंक्रीजिंग है तो उसका इंपैक्ट कॉस्ट पे क्या आएगा इसका इंपैक्ट कॉस्ट पे ये आएगा कि तुम्हारी कॉस्ट सेव होती जाएगी मतलब रिटर्न ज्यादा का सीधा सा हिसाब लगाओ कॉस्ट कम एक लेबर ज्यादा आउटपुट ज्यादा रिटर्न तो हमारी कॉस्ट बचती जा रही है ना पर यूनिट लेबर के हिसाब से तो जब तक रिटर्न इंक्रीजिंग है कॉस्ट डिमिनिशिंग होगा जस्ट रिवर्स ग्राफ है और जब रिटर्न डिमिनिशिंग और नेगेटिव होगा तो कॉस्ट इंक्रीजिंग हो जाएगा सो वेरिएबल कॉस्ट इन्वर्टेड यू शेप्ड क्यों बनी क्या रीजन है इसका सो रीजन इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये रीजन यहीं से आया है सेम रीजन है

लेबर का रिटर्न नहीं आएगा तो कंपनी की तो कॉस्ट बढ़ेगी ना दैट्स वाई दिस इज इनवर्टेड यू शेप्ड कर्व अब इन दोनों कर्व्स को अगर हम मिला लें तो कौन सा कर्व बनेगा टोटल कॉस्ट कर्व मतलब इफ एड टी एफ टीवीसी के साथ सो विल गेट टीसी सो टीसी कर्व इज एग्जैक्टली लुक लाइक टीवीसी कर्व टीसी कर्व टीवीसी कर्व की तरह दिखेगा और इनके बीच का जो गैप होगा दैट इज टीएफसी सो टीसी और टीवीसी टीवीसी के बीच का गैप ही टीएफसी होता है दोनों कर्व सेम होते हैं शेप वाइज स्लोप वाइज कौन कौन से टीसी एंड टीवीसी अंतर सिर्फ इतना है कि टीसी टीवीसी से ऊपर होता है जितना ऊपर होता है दैट गैप इज टीएफसी दूसरी बात टीसी हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा क्योंकि टीएफसी कभी भी जीरो नहीं होगा टीएफसी भी पॉजिटिव तो टीसी जहां से स्टार्ट होगा दैट इज टीएफसी तो दिस इज द ग्राफ ऑफ थ्री क्रस टीसी टीवीसी एंड नेक्स्ट इज एवरेज कॉस्ट वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट दो तीन ग्राफ और बना लेते हैं एसी इक्वल्स टू एवी ए एफ सी प्लस एवीसी आप जल्दी से अगर हमें ए एफ सी और एवीसी आ गया तो हमें ए एवरेज कॉस्ट भी आ जाएगा ए ग्राफ कैसा बनता है अब सबको पता है कि टी जो है वो कॉन्स्टेंट है मान लेते हैं हंड्रेड रुपीज हंड्रेड रुपीज थ्रू आउट आउटपुट कॉन्स्टेंट रहेगा यहां पे अब अगर ये कॉन्स्टेंट है और मुझे इसका एवरेजिंग करनी है एवरेजिंग का मतलब क्या होता है एक यूनिट बनाने में सौ रुपए लगा तो सौ ही एवरेज आएगा दो यूनिट बनाने में भी सौ रुपए लगा एवरेज अचानक से कम हो गया पचास पे आ गया चार यूनिट बनाने में भी सौ रुपए लगा एवरेज पच्चीस दस यूनिट बनाने में भी सौ रुपए लगा एवरेज दस मतलब हर बार जब आउटपुट बढ़ता जाएगा और टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी तो मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा तो एफ हमेशा कम होता है पर एफ कभी जीरो नहीं हो सकता कभी भी नहीं कितना भी हो जाए क्योंकि एफ सी डिवाइडेड बाई आउटपुट इज एफ सी और टी एफ सी जीरो नहीं हो सकता तो एफ सी भी जीरो नहीं होगा फॉल्स बट इट नेवर ये बात याद रखना टीसी ए सी बनाते टाइम ये बात याद आएगी सो एफ सी कम क्यों हो रहा है क्या रीजन बताओगे एक ही रीजन इसका टी एफ इज कॉन्स्टेंट अच्छा इस पूरे चैप्टर में हर चीज के सिर्फ दो रीजन होंगे रीजन नंबर वन पूरे चैप्टर में सिर्फ दो रीजन होंगे रीजन नंबर वन टी एफ सी कॉन्स्टेंट एंड रीजन नंबर टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बस याद रखना है दो के अलावा कोई तीसरा रीजन नहीं मिलेगा इस चैप्टर में यही दो रीजन पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा इस दो रीजन ठीक है चलो अब हम पढ़ रहे हैं एवीसी दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अब क्योंकि हमारा जो टीवीसी था वो कुछ ऐसा बना था रीजन था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोशन सो स्टार्टिंग में क्योंकि टीवीसी जो है वो कम रेट पे बढ़ रहा था उसका रेट जो था वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में था एग्जाम्पल देता हूं मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर पे इंक्रीज होने का रेट 50 था फिर 90 हुआ फिर 120 हुआ

यूनिट बनाने में 120 लगता है तो एवरेज 40 आएगा मतलब जैसे जैसे ध्यान से सुनना है बात जैसे जैसे टीवीसी डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है एवरेज कम होता जा रहा है क्योंकि डिमिनिशिंग रेट का मतलब है तुम्हारा हर लेबर पर यूनिट पे सेव करवा रहा है ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करके तो जब वो सेव करवा रहा है पैसा तो उसका असर कहां दिखेगा एवरेज कम होता जाएगा पैसा बच रहा है एक और यूनिट अगर हम ले लें चार यूनिट बनाने में एक रुपए लगता है तो बढ़ा तो है लेकिन रेट कम हो गया तो ये 35 हो जाएगा तो जब तक टीवीसी डिमिनिशिंग रेट पे है एवीसी फॉल हो रहा है सिर्फ लॉजिक यूज करना तो जब तक टीवीसी डिमिनिशिंग रेट पर और एवीसी फॉल हो रहा है तो जब टीवीसी इंक्रीजिंग रेट पे होगा तो क्या होगा सिंपल सा आंसर होगा इस चीज का एवीसी राइज होगा इतनी अक्ल तो सब में है हम सब बात समझते हैं तो टीवी डिमिनिशिंग रेट पे है, तो एवीसी फॉल टीवी रेट पे तो एवीसी राइज सो एवीसी क्या बनेगा एवीसी इज अ यू शेप्ड कर्व और कोई पूछेगा इसका रीजन क्या है तो रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सिर्फ दो रीजन पे पूरा चैप्टर कवर होगा क्या है रीजन लॉफ क्योंकि टीवीसी ऐसा बना ठीक है तो टीवीसी ऐसा क्यों बना क्योंकि टीपी ऐसा बना था और टीपी ऐसा क्यों बना क्योंकि लॉ वेरिएपोर्शन है घुमा फिरा के सारी कड़ी एक ही जगह से जोड़ती है दैट इज ऑफ वेरिएबल प्रपोशन फिर आती है बात एक साथ तीनों कर्व बनाने की एक साथ तीनों कर्व नहीं बनेंगे लेकिन एसी तो एवीसी के साथ बन सकता है अब बात आती है एवरेज कॉस्ट की तो दो छोटे छोटे कर्व में पहले बनाता हूं उनको जोड़ देंगे एक है ए जो कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है और एक एवीसी जो राइज एंड फॉल हो रहा है अब इन दोनों कर्व को जोड़ो सिर्फ अपना दिमाग फोकस करो यहां पे ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं इस पर कोई मैथमेटिक्स कोई इकोनॉमिक्स कुछ नहीं लगाएंगे सिर्फ लॉजिकल माइंड जो बचपन में पजल सॉल्व करते टाइम और हमने यूज करा होगा इन दोनों कर्व को मेंटली जोड़ दो बस दो कर्व हैं इनको मेंटली जोड़ देते हैं ठीक है तो क्या होगा स्टार्टिंग में एक पॉइंट ऑफ टाइम तक दोनों कर्व फॉल हो रहे हैं तो क्या होगा दोनों का फॉल हो रहे हैं तो इन दोनों का जो समेशन है कर्व का वो भी फॉल होगा हम बात कर रहे हैं एवरेज कॉस्ट की सिर्फ मेंटली जोड़ना सो जब दोनों कर्व जोड़ोगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक दोनों कर्व फॉल हो रहे हैं तो इसका जो समेशन है वो फॉल होगा इसके बाद क्या इसके बाद एवीसी तो बढ़ रहा है अच्छे खास रेट पे लेकिन ए बिल्कुल कम होता जा रहा है उसका रेट ऑफ फॉल भी कम हो गया तो जो ए है वो बढ़ेगा तो जरूर लेकिन उसका रेट ऑफ बढ़ना थोड़ा सा कम हो जाएगा अब कोई पूछेगा ये क्यों हुआ इसके बाद यहां तक तो समझ में आ गया कम हो रहा है इसके बाद क्या हुआ इसके बाद एवीसी की वजह से ये बढ़ा क्योंकि एवीसी बढ़ रहा है लेकिन ए एफ जो भाई साहब है ना इसने इसके बढ़ने को थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि ये कम हो रहा है लेकिन इसके कम होने का रेट इतना कम है आगे जाके कि इसके कम होने के रेट की वजह से थोड़ा सा कम हुआ अब ये जो पूरे ग्राफ बने इसको बहुत अच्छे समझने के लिए ए और एवीसी को एक साथ बनाना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है so, एक साथ बना लेते हैं ए और एवीसी को ए सी कब ऊपर एवीसी कब नीचे दिस इज एवीसी अब इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस जो है दैट इज एफ सी क्योंकि ए सी में से माइनस कर दोगे एवीसी तो बचेगा एफ सी मतलब गैप बिटवीन ए सी एंड एवीसी इज ए एफ सी और एफ सी हमेशा कम होता है हमने अभी पढ़ा जीरो नहीं होता तो ये गैप जो है ये भी हमेशा कम होगा पर जीरो नहीं होगा कहीं पे भी गैप जीरो नहीं होगा मतलब दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर तो ये जो दिख रहा है ना एसी पहले तो अच्छा खासा कम हुआ फिर धीरे से एवीसी के पास आ गया पर मिलेंगे नहीं दोनों एवीसी और एसी को एएफसी मिलने नहीं देगा क्योंकि एएफसी बोलता है मैं जीरो तो नहीं होऊंगा पास आ जाओ बट रीजन इज इट कैन नेवर बी जीरो नहीं हो सकता सो दिस इज हाउ थ्री है मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट कुछ नहीं है मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट के स्लोप को बोलते हैं एक एक यूनिट के बाद टीवीसी में कितना चेंज आ रहा है या फिर टोटल कॉस्ट का स्लोप कितना है दोनों बातें एक ही है तो टोटल कॉस्ट का जो स्लोप है स्लोप कैसे डिफाइन होगा टोटल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों का स्लोप क्योंकि सेम ही होता है टीसी या टीवीसी का तो दोनों का स्लोप है पहले डिमिनिशिंग फिर इंक्रीजिंग तो मार्जिनल कॉस्ट है पहले डिमिनिशिंग फिर इंक्रीजिंग और इसको कोशिश करना थोड़ा सा शार्प बनाना एज कंपेयर टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट जैसे शेप बनता है एग्जैक्ट मत बनाना थोड़ा सा थोड़ा शार्प बनाना ठीक है क्योंकि ये थोड़ा शार्प होता है ये बहुत शार्प होता है अब कभी कभी बहुत शार्प बनाना अच्छा भी नहीं लगता होता बहुत शार्प भी है लेकिन अब अच्छा नहीं लगता इसलिए कुछ बच्चे इसको ऐसे बना देते हैं ठीक है दिस विल ऑल्सो वर्क चलेगा बट एग्जैक्टली यू शेप थोड़ा सा जो फैला हुआ ग्राफ है वैसे मत बनाना थोड़ा सा इसमें शार्पनेस रखना तो इजी ग्राफ बनेगा सो दीज आर दी कर्व टी टीवीसी मार्जिनल कॉस्ट एसी एवीसी एंड एवरेज कॉस्ट सो टोटल कॉस्ट के अंदर तीन ग्राफ एवरेज कॉस्ट के अंदर तीन तीन ग्राफ मार्जिनल कॉस्ट के अंदर एक ग्राफ ये है पूरे ग्राफिकल ओरिएंटेशन ठीक है इन सबको तुमने कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा रीजन के साथ ये क्यों ऐसे बनते हैं एक बार तीनों ग्राफ बना के बताया था जल्दी से सबसे पहले टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट देखो एवरेज कॉस्ट स्पीड से फॉल हुआ पास आ गया एंड थर्ड वन एज मार्जिनल कॉस्ट ये है वो सात अलग अलग कर्व्स एक दो तीन चार पाँच छ सात सात अलग अलग कर्व्स जिस पे पूरा चैप्टर बेस्ड है इन्हीं सात कर्व्स पे विथ रीजन विथ एवरीथिंग अब बात आती है न्यूमेरिकल्स की कि न्यूमेरिकल इस चैप्टर में कैसे सॉल्व करना है ध्यान देना बहुत अच्छे से एक ट्रिक है जिससे तुम लोग न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले अच्छा फॉर्मूला याद हो गया तो न्यूमेरिकल्स आसान है इस चैप्टर में और फॉर्मूले में बच्चे बोलते हैं बहुत सारे फॉर्मुलेस हैं बहुत सारे मतलब बहुत ही सारे फॉर्मुलेज है इसका एक सिंपल सा ट्रिक है फॉर्मुलेज याद करने का है ही नहीं बहुत सारे फॉर्मूले पूरे फॉर्मूले को तुम सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो पहला फर्स्ट डिविजन ऑफ द इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बचपन से करते आ रहे हो इतनी चीज है सो या तो या तो प्लस माइनस पे आंसर निकलेगा या मल्टीप्लाई डिवाइड पे निकलेगा ये हुई पहली इंफॉर्मेशन इसको नोट डाउन करते जाओ दूसरी इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन बोलती है कि हर चीज के दो फॉर्मूले होंगे हर चीज के चाहे टीसी निकालना हो चाहे टीवीसी निकालना हो चाहे मार्जिनल कॉस्ट निकालना हो चाहे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कुछ भी निकालना हो दो फॉर्मूले होंगे सिर्फ टीवीसी ऐसा है जिसके तीन फॉर्मूले होंगे ये हुई दूसरी इंफॉर्मेशन बस ये दो इंफॉर्मेशन बस याद रखोगे तो क्लैरिटी रहेगी कि हमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। हमारे हमारे पास क्लियर रहेगा दो फॉर्मूले से मेरा मतलब है या तो प्लस माइनस पे निकलेगा या मल्टीप्लाई डिवाइड में से किसी एक चीज पे निकलेगा इनमें से किसी एक चीज पर फॉर्मूला बनेगा इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता या तो प्लस माइनस करके निकल रहा है वो या मल्टीप्लाई डिवाइड करके चलो चेक करते हैं फॉर्मूला क्या क्या बनता है सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले अगर टोटल कॉस्ट निकालना है सो टोटल कॉस्ट का मतलब हुआ सीधे सीधे शॉर्ट रन है सो टोटल कॉस्ट इज टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो टोटल फिक्स कॉस्ट का क्या फॉर्मूला बनेगा सबको पता है टीसी माइनस टीवीसी मैंने इसी को ट्रांसफॉर्म कर दिया तो टीवीसी का फॉर्मूला क्या बनेगा टीसी माइनस टीएफसी अब मैं इसको अलग अलग फॉर्मूला क्यों मानू ये एक ही तो फॉर्मूला हुआ सिंगल फॉर्मूला ये दो फॉर्मूला तीन फॉर्मूले मानने की जरूरत ही नहीं है भाई अगर कोई लिख रहा है थ्री प्लस टू इक्वल्स टू फाइव या फिर फाइव माइनस टू इक्वल्स टू थ्री या फाइव माइनस थ्री इक्वल्स टू टू तो ये एक ही तो बात है अलग अलग तरीके से ही तो लिखा हुआ है जबरदस्ती इसको अलग अलग फॉर्मूले मान लेते हैं ठीक है हमें नहीं मानना प्लस माइनस है जब टीसी से टीएफसी टीवी से निकल सकता है तो टीएफसी से भी तो टीसी टीवी से निकल सकता है एक ही बात है चलो अब ये प्लस माइनस का फॉर्मूला हो गया इसी का एवरेज कॉस्ट का प्लस माइनस का हो जाता है एवरेज कॉस्ट भी तो शॉर्ट रन में दो कॉस्ट से मिलकर बना है एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलेगा एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स कॉस्ट अब ये छह फॉर्मूला है लेकिन टेक्निकली हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है वो एक फॉर्मूला कौन सा है प्लस या माइनस का इसके अलावा कुछ नहीं अब आते हैं सेकेंड ऑफ फॉर्मूले पे। ये एक फॉर्मूला हुआ अभी दूसरा फॉर्मूला किसी भी एवरेज को निकालने के लिए किसी भी से मेरा मतलब है किसी भी हमारे पास कितने एवरेज है तीन एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किसी भी एवरेज से निकालने के लिए उसको अपने खुद के टोटल से मतलब ए सी का टोटल टी सी होता है ए एफ सी का टोटल टी एफ सी होता है एवीसी का टोटल टी वी सी होता है तो अपने अपने टोटल से एवरेज निकालने का तरीका है कि सबको अपने अपने टोटल से डिवाइड कर दो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट एवरेज फिक्स मतलब टोटल फिक्स डिवाइडेड बाय आउटपुट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट सबको अपने अपने टोटल से डिवाइड करना है वैसे ही टोटल निकालने का तरीका क्या है सबको अब यहां डिवाइड करा है तो सबको अपने अपने एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट अब क्योंकि मैंने एवरेज निकालने के लिए डिवाइड करा टोटल से सो so टोटल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इफ दिस इज एवरेज इज टोटल डिवाइडेड बाय आउटपुट व्हाट इज टोटल एवरेज मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही तो होगा यहां डिवाइड हुआ है वो मल्टीप्लाई हो रहा है दिस इज सेकंड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सेकंड तो फॉर्मूला क्या बन गया या तो डिवाइड से है, मल्टीप्लीकेशन से दो फॉर्मूले सबके दो दो फॉर्मूले अब आते हैं मार्जिनल कॉस्ट पे इसको नाम दे दो टोटल कॉस्ट इसको नाम दे दो एवरेज कॉस्ट और इसको नाम दे देते हैं अपन मार्जिनल कॉस्ट अब मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला कौन कौन सा है मार्जिनल कॉस्ट का पहला फॉर्मूला है TCN माइनस TCN माइनस वन या फिर TVCN माइनस TVCN माइनस वन बस मार्जिनल कॉस्ट या तो टोटल कॉस्ट के चेंज से निकलेगा या टोटल वेरिएबल कॉस्ट के चेंज से निकलेगा मतलब TC में कितना चेंज हो रहा है या TVC में कितना चेंज हो रहा है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट चेंज मतलब एक एक यूनिट बढ़ने पे उनके बीच का गैप कितना है मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा अब मैंने इसे बताया था सिर्फ टीवीसी ऐसा कर्व है जिसके तीन फॉर्मूला है तो तीसरा फॉर्मूला है समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट जैसे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं बस इतना याद रखना है तो एक फार्मूला बना टीसी का टीएफसी प्लस टीवीसी एक फार्मूला बना टीएफसी प्लस टीसी टीएफसी टीसी माइनस टीवीसी टीवीसी टीसी माइनस टी टीसी माइनस टीवी टी सी माइनस टी एफ सी सो अल्टीमेटली ये तीन फॉर्मूले नाव के एक फॉर्मूला है प्लस माइनस क्योंकि शॉर्ट रन बोलता है कि शॉर्ट रन में कोई भी कॉस्ट दो कॉस्ट मिलकर बनेगी सो एफ सी एसी माइनस एवीसी एवीसी माइनस ए एफ सी ठीक है तो अल्टीमेटली शॉर्ट रन बोलता है कि कोई भी कॉस्ट फिक्स वेरिएबल से मिलकर बनेगी इसलिए हमने उसी चीज को यूज कर लेकिन मैथ्स बोलता है कि एवरेज निकालने के लिए टोटल से आउटपुट को डिवाइड कर दो हमारे पास तीन एवरेज और उसके अपने अपने तीन टोटल है तो सबको अपने अपने टोटल से डिवाइड होने दो तो एवरेज तो, निकल आएगा वैसे ही एवरेज निकालने का तरीका वैसे ही टोटल को निकालने के लिए एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो तो एवरेज आ जाएगा अब मार्जिनल कॉस्ट को समेशन करोगे तो क्या आएगा समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट सीएफ निकालना है ज टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये एक तीसरा फॉर्मूला है टीसी टीवीसी का टीवीसी निकालने का एक तरीका और है सीएफ निकाल लो सी एफ क्यूम फ्रिक्वेंसी स्टैटिस्टिक्स में जैसे निकालते हैं सीएफ निकाल लोल गेट यूर टीवीसी इजीली तीन हो गए टीवीसी के मार्जिनल कॉस्ट टीसी से भी निकल सकता है मार्जिनल कॉस्ट टीवीसी से भी निकल सकता है तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला फॉर्मूले की ट्रिक्स अगर तुमने समझ ली कि किस लॉजिक पे फॉर्मूला बनने वाला है दो फॉर्मूले में दो में से कोई ना कोई तो मैच करेगा अचानक तुम्हारे सामने आ गया हाउ टू कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट सपोज तो क्या करोगे सोचो एवरेज कॉस्ट होने के लिए तुम्हें दो चीजें चाहिए या तो प्लस माइनस का लॉजिक होना चाहिए तो दो चीजें प्लस करनी है एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए ए एफ सी और एवीसी दो अवेलेबल है कि नहीं देख लो या फिर एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड वाला यूज करते हैं तो एवरेज निकालना है तो टोटल डिवाइडेड बाय आउटपुट ये अवेलेबल होगा अगर ए सी और ए अवेलेबल है तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है और टी अवेलेबल है तो डिवाइड कर दो दो के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं होगा या तो प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिविजन तुम्हारा काम बन जाएगा ये है वो न्यूमेरिकल पोर्शन जिसको तुम्हें ज्यादा फोकस करना है सो तो बेसिकली ग्राफ एंड न्यूमेरिकल और एक थियोरी जिसमें ये बताया जाए

अच्छे से कॉपी करना इसको पूरा उतार लो अपने जीवन में और अपने नोटबुक में क्लास इलेवन सॉर्टेड है ठीक है सो थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली थैंक यू बच्चों